I get asked this question a lot कि गुलमोहर की प्राइस इतनी क्यों है, इसको तो सस्ती भी बना सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी की प्राइस को डिवाइड करेंगे तो तीन फ्रेगमेंट्स में आती है, द कॉस्ट ऑफ लैंड, लेबर एंड बिल्डिंग मटेरियल। लैंड एंड लेबर को एक पीरियड के लिए आप साइड रखिए, बिकॉज वो इक्विलिब्रियम रहेगा, काफी लोगों के लिए सेम आएगा, लेकिन जो बिल्डिंग मटेरियल है सारा का सारा खेला इस पे है। अगर हम चाहें तो बहुत सारे लोकली या हैंडमेड लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीजों को यूज करके, नॉन ब्रांडेड चीजों को यूज करके प्रोडक्ट की कॉस्ट को गिरा सकते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट को तो गिरा दी और चीज शायद आप सिमिलर सी दें, लेकिन आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है उस पे बहुत ज्यादा कटौती आएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, हर रेगुलरली आपको रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट पे जाना पड़ेगा, फैमिली जो उस पे रहती है वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम यूजर एक्सपीरियंस को बेटर दे और बेटर होम डिलीवर करें, तो हम अधिकतर चीजें ब्रांडेड यूज करते हैं। गुलमोहर की एग्जांपल की आप बात करें तो फिनेस्टा के विंडोज लगे हैं जो नॉर्मल एल्यूमिनियम या नॉर्मल अनब्रांडेड यूपीवीसी से डबल दाम पे आते हैं। 4x2 की टाइलें हैं, कूलर की बाथ फिटिंग्स है, WPC के डोर फ्रेम्स एंड डोर्स है, विच मेक्स द लिविंग एक्सपीरियंस मच मोर वर्थवाइल, मच मोर फ्रस्ट्रेशन फ्री। हेंस देयर इज अ प्रीमियम फॉर योर पीस।